वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में गांधी जी के अंतर्गत अर्थशास्त्र का परिचय का अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या। मास्टर जी, अर्थशास्त्र क्या होता है और हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कृपया बताने की कृपा करें। बेटा रोहन, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन, अर्थात अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन, धन का अध्ययन। जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वह इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं या इच्छा एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। अर्थात अर्थशास्त्र में लोगों की आवश्यकताएं और उन्हें पूरे करने वाले संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया बेटा? लेकिन नेगी सर, आप हमें यह बताओ कि हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, हमें अर्थशास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है? देखो बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखो बेटा, अभाव सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। यदि अभाव या आवश्यकता अथवा कमी नहीं होगी तो कोई आर्थिक समस्या ही नहीं होगी, तब आपको अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमें अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती हैं, जैसे रहने के लिए घर, जीवित रहने के लिए भोजन, वस्तुओं को खरीदने के लिए धन इत्यादि। अब मैं तुम्हें अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि अर्थशास्त्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आज हम अर्थशास्त्र विषय में सांख्यिकी के बारे में जानेंगे। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, वितरण में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन का के बारे में जानेंगे। इसके साथ उपभोग, उत्पादन, वितरण में सांख्यिकी का कैसा प्रयोग किया जाता उसके बारे में जानेंगे, और अंत में आर्थिक क्रियाओं को बेहतर समझने के लिए हम सांख्यिकी के विभिन्न प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो इन सब का अध्ययन करने से पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं कि हमें अर्थशास्त्र क्यों अध्ययन करना चाहिए, आखिर अर्थशास्त्र है क्या। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि मनुष्य के सामान्य कारोबार में या उसके जीवन में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं का उपभोग करता है, जो व्यक्तियों को आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद आता है विक्रेता। विक्रेता किसे कहते हैं, जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, चाहे आप दुकानदार हो तो आप विक्रेता कहलाएंगे, अर्थात वस्तुओं को बेचने वाला। और उत्पादक किसे कहते हैं, जो वस्तुओं का निर्माण करता है, अर्थात जो वस्तुओं को बनाता है उसे हम उत्पादक कहेंगे। तो उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक, ये तीन आपने समझ लिया। इसके बाद जब कोई नौकरी करता है अर्थात दूसरों के लिए कार्य करता है और उसके बदले उसको वेतन दिया जाता है तो हम कहेंगे कि वो सेवाधारी है, अर्थात जिसको हमने काम पे रखा है और उसको उसके बदले मजदूरी प्राप्त होती है तो वो सेवाधारी कहलाता है। इसी के साथ सेवा प्रदाता, जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर,
टैक्सी ड्राइवर आदि उन्हें सेवा प्रदाता कहते हैं। इन सभी स्थिति में आप किसी आर्थिक क्रियाओं में लाभकारी रूप में नियोजित कहे जाएंगे, अर्थात जिन क्रियाओं से धन की उत्पत्ति होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। एक छोटा सा हम उदाहरण लेंगे। जैसे आपने कभी अलादीन की कहानी सुनी होगी कि उसके पास एक जादू वाला चिराग था और वो एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था। वो अपनी आवश्यकताओं की जो उसकी जब भी कोई इच्छा होती थी तो वो चिराग को रगड़ता था और उसे जिन प्रकट होता था और जिन उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दिया करता था। लेकिन वास्तविक जीवन में इस प्रकार का कोई जिन नहीं होता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के लिए उसे कार्य करना होता है और कार्य करने के बाद जो उसको धन प्राप्त होता है उसे अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। तो कोई भी उपभोक्ता कि अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उसे धन खर्च करना होता है, क्योंकि उसके पास धन जिसे हम साधन बोलेंगे सीमित मात्रा में होता है और उसकी आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अभाव जिसको हम बोलेंगे कमी। सभी आर्थिक क्रियाएं की जो सबसे महत्वपूर्ण जड़ है वो है अभाव, जिसको हम कमी बोलते हैं। यदि अभाव ना होता तो कोई भी आर्थिक समस्या ही नहीं होती, तब आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। हम देखते हैं हमें अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की कमियां या अभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे रेलवे आरक्षण में आपने देखा हो लंबी कतारें लगी होती हैं, भीड़ भरी बसें होती हैं और आपको कहीं वस्तु खरीदनी हो वहाँ भीड़ होती है, तो ये सारी चीज़ें अभाव होती हैं, कमियाँ होती हैं। इन अभाव का हम अपने जीवन में सामना करना होता है हमें, और हमारे जो संसाधन है वो सीमित होते हैं। जैसे आपको अपने स्कूल आना है तो आप अगर 4-5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो आपको एक साइकिल की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपके पास संसाधन नहीं है साइकिल खरीदने के तब आपको मजबूरन पैदल आना पड़ता है या ऑटो में आना पड़ता है, बस में किराया देकर आना पड़ता है। इसी प्रकार उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। उत्पादकों को मतलब जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं उनके पास साधन सीमित मात्रा में होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक मतलब एक संसाधन को हम कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भोजन है, भोजन आपको प्रतिदिन खाना पड़ता है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, पोषक तत्व मिलते रहे। इसी प्रकार किसान भी फसल उगाते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो कृषि में कई सारे संसाधन होते हैं, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, पानी, उर्वरक, ये सब संसाधन हैं। इनका प्रयोग हम वैकल्पिक के रूप में भी कर सकते हैं और इनसे हम कई प्रकार की फसलें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे रबड़, कपास, जूट आदि अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इससे हमें पता चलता है कि संसाधनों को हम अलग अलग अपनी जरूरत के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और समस्या आती है, वो चयन की समस्या आती है। चयन की समस्या का मतलब होता है किस संसाधन का प्रयोग किस समस्या को हल करने के लिए किया जाए। अर्थशास्त्र में अध्ययन को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक आता है उपभोग, उत्पादन और वितरण। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अर्थशास्त्र को तीन भागों में बांटती हैं। उपभोक्ता हमेशा यह निर्णय लेता है कि उसे कौन सी वस्तु खरीदनी है, किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो वो उपभोग कहलाएगा। ऐसी उत्पादन का मतलब है कि एक उत्पादक यह देखता है कि वो कम से कम लागत में और अधिक से अधिक कीमत में कौन सी वस्तु का उत्पादन करे जिससे वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके।
और तीसरा आता है वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि देश में वस्तुओं का वितरण कैसा है, मतलब वस्तुओं का निर्माण हुआ वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उन लोगों में किस प्रकार वस्तुएं प्राप्त की गई, अर्थात देश की राष्ट्रीय आय हो, घरेलू आय हो, मजदूरी हो, लाभ हो, ब्याज हो, इन सब का समाज में वितरण कैसे हुआ। तो अर्थशास्त्र में हमारी जो कुछ मूलभूत समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन प्रमुखता के साथ किया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि समाज में जैसे कुछ परिवारों के पास दूसरों की अपेक्षा अधिक आय अर्जित करने की क्षमता क्यों और होती है, वास्तविक में हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग धनी हैं आदि, ये सारी समस्याएं हैं जिसको हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कई और समस्याएं कि पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आम जीवन में अर्थशास्त्र का प्रयोग हम जो समस्याएं आती हैं उनको हल करने के लिए करते हैं। तो अब हम अर्थशास्त्र की एक सामान्य परिभाषा के बारे में जानेंगे कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात एक अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान, मतलब एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं, फिर उसका उपभोग करते हैं, वितरण, विनिमय, ये सारा अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है वह है धन का अध्ययन, सरल भाषा में। लेकिन अगर हम इसको आज के संदर्भ में देखें तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। अर्थात मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने वाले संसाधनों का कैसे हम इस्तेमाल करें, बेहतर इस्तेमाल करें, उन सब का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ में आया? अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।